नमस्कार दोस्तों, किशनगढ़ रैनवाल में जिला कलेक्टर आए हैं तो अपने हॉस्पिटल की तरफ आया हुआ हूँ। वहाँ पे काम करता मैं एक अकेला ही हूँ और जितनी देर मैं करता हूँ उतनी देर आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी मेरे ऑफिस आ जाना, कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे पहुँचता हूँ, कहाँ कहाँ जाता हूँ, ये चीज़ें हैं। इस दौरान इन चीज़ों का जो आपने सामने अभी देंगे ना आपको, अब आप मैं वो जो लूँगा उसमें आपके आ जाने चाहिए। हर CHC पर 3 दे रहे हैं, हर PHC पर 2 देंगे और हर ग्राम पंचायत में एक एक जो भी है ना नर्स ग्रेड सेकंड का जो कॉन्ट्रेक्चुअल आएंगे कि नहीं आएंगे, 7,900 रुपये में कितने का आते हैं वो देख सकते हैं। तो अखबार वो देंगे, अखबार में उसमें 4 में MOP 6 जने हम तो 6 ही काम कर रहे हैं, नहीं करते हैं जो भी कोविड के लिए स्पेशल कोविड के लिए स्पेशल वो नहीं है, मेरे पास स्टाफ यही स्टाफ दोनों तरफ काम करता है, क्योंकि ये सेंटर भी बना दिया ना। बोला है सबको सर, रैनवाल वासियों के लिए कोरोना में दो शब्द कुछ नहीं। आपने जैसे CHC का जो यहाँ पर कोरोना केयर सेंटर बनाया गया है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई भी हो गई है और यहाँ रेमडेसिविर की जैसे डिमांड थी तो उसको भी BCMHO के माध्यम से उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। जैसा अभी मैंने CMHO से बात कर ली थी तो आज ये जाके ले आएंगे, तो सभी यहाँ कुछ लोग एडमिट भी हैं। अच्छी बात है कि जो है ना यहाँ से लोग जयपुर नहीं जाए, यहीं उनका इलाज हो सके, तो इसके लिए अच्छी व्यवस्थाएँ हैं अभी और इसमें व्यवस्थाओं को सुधार किया है। थैंक यू सर। सर 18 प्लस का यहाँ पे क्या नियर ही जो 3 किलोमीटर दूर मिंडा गाँव और जिला यार CHC में लगभग सब जगह जैसे रेमडेसिविर वगैरह सब मुफ्त हो जाएगी तो उनको ही मिल जाएगी। मैं खुद सर डेली 5-5 साल